अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय फ्रेंड्स। जो लोग रेशन कार्ड में करेक्शन करवाना चाहते हैं और जो लोग रेशन कार्ड नए से अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो बीपीएल हो या एपीएल हो, उनके लिए आज के वीडियो में गुड न्यूज़ है, क्योंकि डेट अनाउंस हो चुका है रेशन कार्ड में करेक्शन कराने के लिए और साथ में नया रेशन कार्ड अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आल इंडियन लीडर होम बाई खान जहीर सर में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि रेशन कार्ड में करेक्शन करवाने के लिए, चाहे वो किसी को ऐड करना है या किसी को डिलीट करना है, और इसके साथ साथ नए से रेशन कार्ड जो अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो एपीएल हो बीपीएल हो, उन लोगों के लिए डेट अनाउंस हो चुकी है। और ये जो डेट है वो 29 नवंबर 2023 यानी चाशंबे के दिन और 30 नवंबर 2023 यानी जुमेरात के दिन, आने वाले जुमेरात के दिन, यानी इन दो दिनों में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। आप इसके दरमियान आपके रेशन कार्ड में कुछ करेक्शन है तो करवा सकते हैं, चाहे किसी को ऐड करना है या किसी को डिलीट करना है, या अगर नया नाम जो है गलत हैं सही करवाना है, ये तमाम करेक्शन आप करवा सकते हैं। एक 29 नवंबर 2023 वेंसडे को और एक जो है थर्सडे को 30 नवंबर को, तो आप यहाँ पर अपना रेशन कार्ड करेक्शन करवा सकते हैं। और जो लोग नए से एपीएल या बीपीएल कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं, इनके लिए सिर्फ एक दिन का वक्त दिया गया है, और वो एक दिन जो है 3 दिसंबर 2023 है, यानी सॉरी 3 दिसंबर 2023 है, यानी 3 दिसंबर 2023 को रहेगा। और इसका वक्त भी जो है सुबह 11 बजे से 2 बजे तक रहेगा। तो आप उस एक दिन में जो है, अगर कोई भी हो, अगर नया रेशन कार्ड को आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप 3 दिसंबर 2023 को अप्लाई कर सकते हैं। मगर टाइमिंग जो है सिर्फ 11 से 2 तक दिया गया है, यानी 11 से लेकर 2 घंटों के दरमियान आप जो है नए रेशन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक करेक्शन का सवाल है, वो 29 नवंबर को और 30 नवंबर को अवेलेबल रहेगा। वो उसका टाइमिंग जो है सुबह 11 बजे से 2 बजे तक रहेगा, तो आप करवा लें। तो जो लोग नए से रेशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दरकार हैं ये मैं आपको बताता हूँ, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। अगर आप अपने बच्चों का जो है नाम उसमें ऐड करना चाहते या अगर नए से जो है बनवाना चाहते हैं, उसके लिए जो है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, अगर उसकी उम्र 6 साल से कम है तो बर्थ सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा, और अगर 6 साल से ज़्यादा है तो इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनकम सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट अगर 6 साल से कम है तो, उसके साथ साथ आधार कार्ड में जो है मोबाइल लिंक जो है वो नंबर, ये तमाम चीज़ें ले जाकर आप करेक्शन करवा सकते हैं या नए कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ तक बड़े लोगों का सवाल है, उनके लिए कास्ट और इनकम होना लाजमी है ऐड करने के लिए और नए से अप्लाई करने के लिए, और चाहे वो एपीएल हो या बीपीएल हो। और जहाँ तक छोटे बच्चों का सवाल है, 6 साल से कम उम्र के लिए बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और 6 साल के बाद की उम्र के लिए कैस्ट इनकम सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो याद रहे कि नया रेशन कार्ड का डेट जो है नए से अप्लाई करने के लिए जो डेट दिया गया है वो 3 दिसंबर को दिया गया है, और करेक्शन करवाने के लिए जो है वो 29 नवंबर और 30 नवंबर को दिया गया है। मगर टाइमिंग जो है सिर्फ 11 से 2 के दरमियान है। आप किसी भी सीएससी सेंटर में जाकर इसे अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत कारामा साबित हुआ होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग रेशन कार्ड से परेशान हैं, वो बनवा लें तो बेहतर होगा। तो जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया उनका शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपके समझ लाता रहूँगा। मेरे नेक्स्ट अपडेट के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।